राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक गहलोत सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह नए सीएम को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए प्रभारी महासचिव अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दरअसल अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगले महीने होने वाले चुनाव में उतरने की घोषणा कर चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गहलोत के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। सीएम पद के लिए सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस का बेस्ट फेस बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का नाम भी चल रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जोशी 2008 में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन तब वह विधानसभा चुनाव एक वोट से हार गए थे। एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस विधायक दल की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले 20 सितंबर को बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उस बैठक में कई मंत्रियों और विधायकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पदों पर बनाए रखने की वकालत की थी। हालांकि पार्टी आलाकमान ने एक व्यक्ति एक पद की नीति को लागू करने पर जोर दिया।